रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। किस खान को वर्स्ट एक्टर ऑफ द ईयर के लिए मिलेगा गोल्डन केला अवार्ड? बताएंगे आई मी और मैं के स्टार्स का एक यूनिक प्रमोशनल प्लान सक्सेसफुल हुआ या फेल। फिल्म जिला गाजियाबाद की स्क्रीनिंग से क्यों गायब रहे फिल्म के स्टार संजय दत्त। और दिखाएंगे चित्रांगदा सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बॉलीवुड में स्टार्स को अपने बेस्ट एक्टर का अवार्ड पाने के लिए झगड़ते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर हम आपको दिखाएंगे कैसे दो खान्स कम्पीट कर रहे हैं वर्स्ट एक्टर ऑफ द ईयर का खिताब पाने के लिए। जब भी मुझे कोई भी अवार्ड मिलता है तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि वो अवार्ड्स जो हैं मैं अपने अब बच्चों के नज़र कर देता हूँ, तो मुझे बड़ा एक्साइटमेंट होता है। रात को मैं सूट पहन के जाऊँ और जब वापस आऊँ तो सुबह वो उठते हैं स्कूल के लिए, तो उनको लगता है अरे पापा यू गॉट एन अवार्ड। सो आई फील वेरी एक्साइटेड, जेन्युइनली एक्साइटेड। हर बार और एक अवार्ड की तमन्ना रखने वाले किंग खान को मिल रहा है कभी अवार्ड ना लेने वाले स्टार से कॉम्पिटिशन। एक अवार्ड पर अपना हक जमाने के लिए शाहरुख खान को कड़ी टक्कर दे रहे हैं दबंग सलमान खान। बॉलीवुड के दोनों टॉप खान्स के बीच साल के अवार्ड सीजन के दौरान एक बड़ी रेस लगे और हंगामा ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए बिना देर किए अब आपको दे ही दिए जाएं इस अपकमिंग अवार्ड्स नाइट से जुड़े बाकी डिटेल्स। तो बता दें कि ये अवार्ड बेस्ट एक्टर के लिए नहीं बल्कि है वर्स्ट एक्टर ऑफ द ईयर के लिए। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि बाकी अवार्ड्स नाइट से अलग आखिर ये कौन से अवार्ड्स की बात हो रही है। अभी हाल ही में हुए घंटा अवार्ड्स और अब बारी है द गोल्डन केला अवार्ड्स की, जिसमें वर्स्ट एक्टर ऑफ द ईयर के टाइटल के लिए रिपोर्टेडली शाहरुख और सलमान के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। शाहरुख खान का नॉमिनेशन वर्स्ट एक्टर कैटेगरी में है जब तक है जहां के लिए, वहीं सलमान खान दबंग 2 के दम पर केला अवार्ड के दूसरे सबसे बड़े दावेदार बन गए हैं। वहीं तीसरे सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है अजय देवगन, जिन्हें सन ऑफ सरदार के लिए इस कैटेगरी में चुना गया है। वैसे पिछले साल दिवाली पर शाहरुख खान की फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बड़ी टक्कर देकर अजय ने पहले ही जब तक है जहां से प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने की डेस्टिनी चुन ली थी, पर उन्हें शायद ही पता रहा होगा कि शाहरुख खान से कंपटीशन उन्हें केला अवार्ड की रेस में ले आएगा। वेल, अब भले रेस में शाहरुख, सलमान और अजय जैसे कितने ही स्टार्स क्यों ना हो, सुनने में तो यही आ रहा है कि इस बार भी पिछले साल की ही तरह बॉलीवुड का एक बड़ा खान बनने जा रहा है गोल्डन केला अवार्ड फॉर द वर्स्ट एक्टर का हकदार। अब भी नहीं समझे तो बता दें कि ये वही किंग खान है जो केला अवार्ड का नाम सुनकर दिल मिला जाते हैं, और केला अवार्ड मिलने के इस दर्द को किंग खान यूनिवर्सिटीज के गेस्ट लेक्चर्स तक में सबसे शेयर कर डालते हैं। ऐसा ही कुछ उन्होंने कहा था अपने येल यूनिवर्सिटी के लेक्चर में। Many a nights have gone back home after receiving an award, pumped up and all happy, just to read that what I really deserved was the golden banana for worst actor of the year. I become heartbroken, angry and completely convinced that bananas and critics both should have their skins peeled and fed to monkeys. Well, ab agar waqai King Khan ko Raw 1 ke baad is saal bhi worst actor of the year ka Kila award mila, to wo na sirf Dabang 2 se Bollywood par rob jamane wale Salman par worst acting ke maamle mein भारी पड़ जाएंगे, बल्कि उन्हें अगले साल होने वाले अवार्ड्स में हैट्रिक का चांस भी मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। फिल्म आई मी और मैं के एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने फिल्म को प्रमोट करने के लिए बनाया एक यूनिक प्लान। आप भी देखिए क्या था ये प्लान और ये सक्सेसफुल हुआ या फेल। फिल्म आई मी और मैं को फिल्म के प्रोड्यूसर्स और एक्टर जॉन इब्राहिम ने यूथ ऑडियंसेस को ध्यान में रखकर बनाया है, और अगर ये फिल्म यूथ को टारगेट करती है तो इसका प्रमोशन भी होना चाहिए कुछ एडवांस और टेक सेवी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए फिल्म आई मी और मैं की पूरी स्टार कास्ट ने डिसाइड किया है कि वो मुंबई में बैठकर पूरी देश के जर्नलिस्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंटरेक्ट करेंगे। आप भी देखिए कैसे ये स्टार्स इस आइडिया को लेकर थे काफी एक्साइटेड। एक्टरों को यहाँ वहाँ भेजने से अच्छा है कि हम लोग एक जगह पे बैठ के पूरा काम कर सके, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ डूइंग इट, सो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट डूइंग इट दिस वे। आई थिंक इट्स रियली एक्साइटिंग बिकॉज़ यू नो इट ऑफन हैपेंस दैट यू गो टू अ सर्टेन सिटी बट यू
miss out on certain publications, on certain people. I think this is the best way to do it because we can reach out to so many people at the same time. This is really effective and this is the way forward. I think the next thing we'll be sitting at home and doing this. We won't even have to come here. We could almost be doing that. But no, I think this is brilliant. Well, in stars ke is excitement ko dekhkar, aapko lag raha hoga ki ye event kafi successful raha hoga. Lekin aisa bilkul nahi hua. जी हाँ, इस प्रमोशनल आइडिया को लेकर ये स्टार्स तो बड़े एक्साइटेड थे, लेकिन जैसे ही इस आइडिया पर वर्क करने की बारी आई तो ये प्रमोशनल प्लान फेल हो गया। जॉन, चित्रांगदा और प्राची वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में बैठकर देश के डिफरेंट जर्नलिस्ट से इंटरैक्ट करने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन लगता है टाइम कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो न सका, और इस बात से फिल्म के प्रोड्यूसर गोल्डी बहल काफी नाराज भी दिखे। वेल, जॉन, प्राची, चित्रांगदा, आप सभी लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी फिल्म के लिए ऑलरेडी ऑडियंसेस के बीच काफी क्यूरियोसिटी है, एंड वी होप आपकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा बिजनेस करेगी। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई। फिल्म जिला गाजियाबाद आज रिलीज हो रही है। इस फिल्म में संजय दत्त, अरशाद वारसी और विवेक ओबरॉय तीन बड़े स्टार्स नजर आने वाले हैं। लेकिन अब तक इन तीनों स्टार्स ने ठीक तरह से इस फिल्म को नहीं किया है प्रमोट। क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। फिल्म जिला गाजियाबाद एक मल्टी स्टारर फिल्म है। इस फिल्म में संजय दत्त, अरशद वारसी और विवेक ओबरॉय तीनों नजर आने वाले हैं। साथ ही ये एक बिग बजट फिल्म भी है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि फिल्म आज रिलीज हो रही है और अब तक इस फिल्म की स्टार कास्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ठीक से नहीं की। आजकल बॉलीवुड में फिल्म जिस मेहनत से बनाई जाती है उससे कहीं ज्यादा दिलो जान से फिल्म के प्रोड्यूसर्स फिल्म को प्रमोट करते हैं, लेकिन जिला गाजियाबाद की स्टार कास्ट लगता है अपनी फिल्म को लेकर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गई है। तभी तो फिल्म की रिलीज से ठीक एक दिन पहले रखी गई स्क्रीनिंग तक में विवेक ओबरॉय को छोड़कर न तो संजय दत्त और न ही अरशद वारसी दिखे। वैसे इस स्क्रीनिंग पर मौजूद एक्टर विवेक ओबरॉय से हमने जरूर जानने की कोशिश की कि आखिर इस फिल्म को उन्होंने ठीक से प्रमोट क्यों नहीं किया। Yeah, I was promoting Jayanta Bhai. No, actually what happened is that he knew I was releasing on 16th, but he didn't have another date, so he had to come in on 22nd. So my commitment was already there contractually. As soon as that film released over the weekend, then I was ready to promote this film. But kya ho gaya? Kal Bharat band ho gaya. Otherwise, we would have been in Ghaziabad promoting it. But I'm going now with him. Friday, Saturday, Sunday, I'm going with him to promote all over North. We're going to Punjab. We're going all over the North. Well, Vivek, आप तो फिल्म जयंता भाई को लेकर काफी बिजी थे, लेकिन फिल्म के दो और स्टार्स संजू और अरशद ने भी इस फिल्म को कुछ ज्यादा प्रमोट नहीं किया। जहां संजय दत्त आजकल फिल्म पीके की शूटिंग में बिजी हैं, वहीं अरशद वारसी अपनी अगली फिल्म जॉली LLB को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। वेल, अब इसके पीछे क्या वजह है ये तो वही दोनों स्टार्स बता सकते हैं। मूविंग ऑन, बात करते हैं स्क्रीनिंग की, तो यहां बॉलीवुड से कोई ज्यादा सेलिब्रिटीज तो नजर नहीं आए, लेकिन हाँ, इस फिल्म में एक आइटम नंबर कर रही एक्ट्रेस गीता बसरा जरूर नजर आई, जो कि इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड दिखी। Amazing. I just saw the film Deadpool. It's a fantastic film. I think सबको मजा आएगा देखने। Well, we hope promotion ना सही इस फिल्म की कंटेंट की वजह से ये फिल्म चल जाए और प्रोड्यूसर्स के पैसे उन्हें वापस मिल जाए। For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. Time to show you special report. अनुराग बासु की फिल्म जो कि किशोर कुमार की बायोपिक है उसे बनने में लग सकता है काफी वक्त। सुनने में आ रहा है कि इस फिल्म के लिए रणबीर कपूर को करनी पड़ रही है काफी मेहनत, एज उन्हें निभाना है किशोर कुमार का रोल, जिसके लिए ही इज बिजी डूइंग अ लॉट ऑफ होमवर्क। किशोर कुमार का रोल रणबीर निभा रहे हैं ये बात तो उन्होंने खुद ही जूम के बूम पर कंफर्म की थी। सुनने में आ रहा है कि सुपर 30 एक फिल्म आप कर रहे हैं। It's based on our educationalist from Bihar. अनुराग दादा? Yeah. नहीं, हम actually हम किशोर पे कभी काम करना शुरू करेंगे, अभी दादा लिखने वाले। लेकिन इस फिल्म की लीडिंग लेडी को ढूंढने में हो रही है प्रॉब्लम। सोर्सेज की माने तो मधुबाला के रोल के लिए कंगना रनौत और कटरीना कैफ का नाम आगे आया था, पर अब तक इस बात की कॉन्फर्मेशन नहीं मिल पाई है कि आखिर कौन निभाएगा मधुबाला का रोल। अनुराग ने एक पेपर को दिए इंटरव्यू में ये भी कहा है कि वो अब तक फिल्म की स्क्रिप्टिंग में बिजी है। फिल्म की कास्टिंग को अभी थोड़ा वक्त बाकी है और ये फिल्म नेक्स्ट ईयर ही रिलीज हो पाएगी। चलिए, किशोर कुमार तो फाइनलाइज हो गए हैं, बस मधुबाला के लिए हमें करना होगा थोड़ा इंतजार। फॉर रोशनी दुबे, जूम, मुंबई। अभी कुछ दिनों पहले तक करण जौहर की फिल्म को हॉरिबल बताने वाले राम गोपाल वर्मा अचानक करण जौहर के फैन बन गए हैं। पहले अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू रामू ने करण की तरफ बढ़ाया दोस्ती का हाथ और अब जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए भी रामू ने की करण की तारीफ। टेक अ लुक।
आप सभी को राम गोपाल वर्मा और करण जौहर के सोशल नेटवर्किंग साइट पर हुए वॉर ऑफ वर्ड्स तो याद ही होंगे। अब जो राम गोपाल वर्मा ने एक टाइम पर खुद करण जौहर को उनकी फिल्म मेकिंग पर उंगली उठाई थी, आज वही आरजीवी कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। आई मीन आफ्टर पुटिंग इन सो मच ऑफ एफर्ट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू शो इट टू पीपल हु आई हैव रिस्पेक्ट फॉर हु आर रियली बिग इन द फिल्म इंडस्ट्री एंड करण बीइंग वन ऑफ देम। यस, सुना आप लोगों ने, ये वही आरजीवी है जिन्होंने एक वक्त पर करण की रोमांटिक फिल्म्स को हॉरर फिल्म बताकर सोशल नेटवर्किंग साइट पर मजाक उड़ाया था। और आज यही रामू है जिन्होंने अपनी फिल्म द अटैक्स ऑफ 2611 की प्रीमियर के लिए करण जौहर को इनवाइट भेजा है। Maybe it's a part of my change, I would say, but to start, I mean, to be very honest, and I never ever meant anything in the way the media always projected it. RGB ने तो अपने comments का blame सीधा media पर डाल दिया। और जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने केजो की films को horror film क्यों कहा, तो सुनिए कितनी आसानी से RGB ने इसकी सफाई दी। I can't speak for him because most of the time media instigates him. Ramu said this, what do you have to say, and they do the same to me. When I said Karan Johar's films are horror films because I'm scared of their success, it's an obvious compliment. Because of the huge box office they give, I can't give that kind of success. But horror as a word, I'm trying to accentuate the point. Because I'm scared, you get scared in the horror films. I'm scared of the success of his films. So it is an obvious compliment. रामू, आप और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर दोनों को ही समझना थोड़ा मुश्किल है। वैसे करण जौहर ने आपका इनवाइट एक्सेप्ट तो कर लिया है। वी होप वो आपके फिल्म के प्रीमियर पर भी आ जाए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो हमसे फिर पूछ बैठे ये सवाल। फॉर इलिका श्रीवास्तव, जूम, मुंबई। न्यूज़ में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे चित्रांगदा सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। चित्रांगदा सिंह अपनी फिल्म आई मी और मैं को प्रमोट करने पहुंची जूम के ऑफिस, और यहां चित्रांगदा ने हमसे की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू जूम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप ये ग्रीन टी, आई मीन ऐसे ही नॉर्मल, बिकॉज हम कभी कभी हम लोग जब डाइट पे होते हैं तो नॉर्मल ग्रीन टी पीना प्रेफर करते हैं। नहीं, एक्चुअली गर्म पानी पीना था लेकिन उन्होंने ग्रीन टी दे दी, तो आई थॉट इट्स इवन मोर हेल्दियर, सो आई शुड हैव दिस। लेट्स टॉक अबाउट आई मी और मैं, जिसके बारे में लाइक आपके फैंस काफ़ी एक्साइटेड है, वी ऑल एक्साइटेड, प्रोमो बहुत एक्साइटिंग है, तो क्या कहना चाहेंगे फिल्म को? आई थिंक एक बहुत ही स्वीट सी फिल्म है, एक बहुत ही फील गुड फिल्म है। इट्स टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, और आज के टाइम पे कितना रेलेवेंट है, यू नो द काइंड ऑफ प्रेशर्स यू हैव ऑन योर रिलेशनशिप, कैसे हैंडल करते हैं, एंड हाउ मेन आर सो स्केयर्ड ऑफ मेकिंग अ कमिटमेंट। एक्चुअली विच जॉन इज़ प्लेइंग ईशान, ही इज़ प्लेइंग द मेन कैरेक्टर ऑफ ईशान, जिसको कमिटमेंट फोबिया है। सो उसके बारे में है, प्राची है फिल्म के अंदर, आई एम देयर, एंड सो इट्स अबाउट दिस मैन्स रिलेशनशिप विद डिफरेंट वुमेन, और कैसे वो उसकी लाइफ को यू नो एक तरह से मोल्ड करते हैं। जॉन के साथ आप ये दूसरी फिल्म कर रहे हैं, एंड ऐसा तो नहीं है कि चित्रांगदा खुद उनकी जो आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी हॉट सेक्सी मानी जाती है, तो जो एक्टर्स हैं वो भी उसी तरह से ही, कुछ कास्टिंग भी ऐसे तो नहीं, बिकॉज यू वर्किंग विद अर्जुन रामपाल के साथ आपने फिल्में की हैं, तो ऐसा कुछ सोच समझ के तो नहीं कर रहे हैं आप? आई थिंक ऑल मैन आर हॉट एंड सेक्सी, ऑल आर हीरोज आर हॉट एंड सेक्सी, ऐसा कुछ नहीं है, आई डोंट नो व्हाट टू से रियली, बट थैंक यू सो मच, आई थिंक आप मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, सो थैंक यू। ओके, एंड टेल अस समथिंग अबाउट जॉन। जॉन के साथ आप दूसरी फिल्म कर रहे हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं उनके बारे में, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत सरप्राइजिंग लगती है एज एन एक्टर, आपने उनमें ग्रोथ देखी हो, आप सेकेंड फिल्म उनके साथ कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इस फिल्म के अंदर, एंड फैक्ट जो इमोशनल सीन्स हैं आई थिंक इज़ वेरी गुड इन दैट, और एक मतलब एक टिपिकल प्रडिक्टेबल सा यू नो इमोशन नहीं है, सो ही हैज़ डन इट इन हिज ओन वे, विच इज़ आई थिंक वेरी रिफ्रेशिंग, और मेरा पर्सनली माय फेवरेट बिट इज़ द क्लाइमैक्स, एंड आई थिंक इज़ फैंटास्टिक इन इट। आप इससे पहले भी आपका फिल्म आपने की है, तो वहाँ पर भी दो एक्ट्रेसेस थी, और अक्सर ऐसा देखा जाता है, सुना जाता है कि जब दो एक्ट्रेसेस काम करती है तो कैट फाइट होती है, सम इनसिक्योरिटी भी शायद हो कि उसे थोड़ा ज़्यादा प्रमोशन मिल रहा है या मुझे मेरा कम रोल है, आपके जहन में भी कोई ऐसी बात थी? आई थिंक आखिर में जब फिल्म देखने जाते हैं, जो ऑडियंस फिल्म देखने जाती है, उसके बाद जो रिएक्शंस होते हैं, आई थिंक दोज आर इम्पॉर्टेंट। फिल्म प्रमोट होनी चाहिए, चाहे वो मैं करूँ या जो भी करे, आई थिंक एज लॉन्ग एज पीपल आर कमिंग टू सी द फिल्म, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, एंड प्राची इज़ अ रियली नाइस गर्ल। कुछ दे नो कैट फाइट्स, हैव यू हर्ड ऑफ एनीथिंग? ये तो बात आपने सही बोली, बिकॉज वरना ये ऐसे कैसे हो रहा है, मतलब कि इतना प्यार मोहब्बत से आप लोग ने साथ में काम किया, नॉर्मली होता नहीं है, वेरी डिप्लोमैटिक। यस, नो नो नो, देयर इज नथिंग। एंड
tell us something about your role. क्या किस role में हम आपको देखेंगे? What are you playing? Well, एक लड़की है जो professionally तो बहुत अच्छा कर रही है, बहुत in control है एक certain part of her life. लेकिन वो चाहती है कि उसकी family हो and she's trying to find roots, you know, feel a little more complete. जैसे कि हर woman एक naturally you want a family, you want to finally, you know, settle down. सो ऐसा है एंड एक फेल्ड रिलेशनशिप है जो कि ईशान और अनुष्का जो मेरा कैरेक्टर है उनका है. सो शी समवेयर इन द मिडल ऑफ दैट. सो इट्स अ नाइस फिल्म. चित्रांता, आप उन सेलिब्रिटीज में से हैं जिनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं रहा है और लेकिन आपने अपनी जगह या फिल्मों में लेकिन आपने अपनी जो जगह बनाई है बहुत ही डिफरेंट बनाई है. आप लाइक यू डूइंग वेरी गुड. और आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आपको सपोर्ट होता तो शायद आप थोड़ा सा और आपके लिए इजी होता इंडस्ट्री में सर्वाइव करना? या नो, डेफिनेटली टैलेंट वर्क्स. आई थिंक आखिर में टैलेंट और जो ऑडियंसेस, यू नो, वेदर दे लाइक यू, दे लाइक यू और रिजेक्ट यू, जो भी है, आई थिंक फाइनली डिसीजन इज दैट. लेकिन आई थिंक वन थिंग दैट हैपन्स इफ यू हैव समबडी इन द इंडस्ट्री इज दैट आपको करेक्ट एडवाइस मिल जाती है. यू डोंट मेक द मिस्टेक्स, सो यू डोंट वेस्ट टाइम मेकिंग मिस्टेक्स एंड लर्निंग फ्रॉम देम. सो डेफिनेटली इट हेल्प्स अगर आपका कोई हो जो आपको समझा सके, जो आपको गाइड कर सके. Very small things, what to do, what not to do, and who to meet, and you know, just like kahan acha kaam ho raha hai. So just, you know, small things. Lekin aisa nahi hai. I mean, Shah Rukh is a fantastic. John is a very good example. I mean, I think there's so many people who've made it, and I think aakhir mein talent is very, very important. Yes, and the audience. I think that's important. And jo support aapko kar rahe hain. Aapne kaha ki aapko like koi hai jo guide karne ke liye. To somewhere aapki life mein koi hai jo aapko guide kar raha ho, ya aap unse thoda sa guidance ke saath se? Nahin, definitely. Mujhe सुधीर मिश्रा जिन्होंने मुझे पहली फिल्म दी थी और अभी इनकार जो मेरी आखिरी फिल्म भी उनके साथ है. ही इज़ माई गाइड, माई मेंटर, माई गुरु इन अ वे. क्योंकि कभी ऐसा लगता है कि यू नो, अगर आई फील रियली स्टक, आई थिंक आखिर में फिर भी मैं वही करती हूँ जो मुझे करना होता है. एंड आई थिंक दैट्स गुड बिकॉज यू शुड लिसन टू योर हार्ट. लेकिन एक वो होता है कि कोई आगे से आपको हाँ ना कर दे. सो आई डेफिनेटली डू टॉक टू हिम. यस. कैमरामैन हरी के साथ सलमा खान, ज़ूम मुंबई. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. सो स्टे विद अस. ऑल द पीपल हु वर ईगरली वेटिंग फॉर ट्रेसेमे प्रेजेंट्स द कट अबव शो टू किक स्टार्ट, हियर इज द गुड न्यूज फॉर यू ऑल. Now you can watch Tresemme Presents A Cut Above every Saturday at 9 PM only on Zoom. More details on this is coming up next. All the people who were eagerly waiting for the Tresemme Presents A Cut Above show to kickstart, here's the good news for all of you. Now you can watch Tresemme Presents A Cut Above every Saturday at 9 PM only on Zoom. Tresemme, who are the makers of a wide range of quality hair care products for salon-style hair, has associated with Zoom to launch India's first ever reality talent hunt series, which is based on hair styling. Is show ko judge karenge renowned celebrity hairstylist Alim Hakim, Rod Ankar and Natasha Nagmewala. All the three judges went to Delhi, Bangalore and Mumbai to give budding stylists a chance to prove that they are a cut above the rest in the world of hairstyling. The judges will shortlist 12 contestants, out of whom the top 8 hairstylists from the country will be selected for the final showdown. To catch up with all the action from Tresemme Presents A Cut Above auditions, tune into the audition episode tomorrow at 9 PM only on Zoom. With this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स. टिल देन कीप वॉचिंग ज़ूम, इंडियाज़ नंबर 1 बॉलीवुड चैनल.